बहुत सिंपल होने वाली है और बहुत ज़्यादा छोटी भी होने वाली है। बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आज की वीडियो में क्या है, आप शायद समझ ही गए होंगे। हाँ, इस टेबल पर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये मेरे हाथ में लाइटर है, थंबनेल आपने देख लिया तो पता लग ही गया होगा ना यार। आज इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ बिगड़ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दिखा रहा हूँ कि स्लाइडर के अंदर क्या होता है, यानी कि क्या होगा अगर मैं स्लाइडर को एकदम से यानी कि अचानक से खोल दूँ, क्या होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि अक्सर मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। यार देखो, ये जो लाइटर होता है ना, इसके अंदर आप ये देख रहे हो लिक्विड, आप देखो लिक्विड है ना इसके अंदर, एक लिक्विड देखो आप इसके अंदर है ना। ये लिक्विड पता क्या है, ये ऐसा वैसा लिक्विड नहीं है, ये होता है इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि आग पकड़ देता है, यानी कि मतलब आप कह सकते हो इनफ्लेमेबल, जिसको हम गैस भी कहते हैं। लेकिन असल में गैस जो है ना, है तो गैस ही, लेकिन पता क्या है, जब हमने इसको अंदर लाइटर के अंदर डाला हुआ है तो ये लिक्विड के अंदर लगता है हमें। देखो लिक्विड है ना बिल्कुल, लेकिन पता क्या होता है, ये असल में लिक्विड नहीं होता, ये गैस होती है। कौन सी गैस होती है, बुटेन गैस। बुटेन यानी कि C4H10 भी हम जिसे कहते हैं केमिस्ट्री में, वो इस लाइटर के अंदर भरी होती है। और इसको बहुत लोग समझते हैं कि यार इसके अंदर जो गैस होती है वो हमारी LPG गैस होती है, जो हमारे घरों में LPG सिलेंडर होते हैं उसके अंदर जो गैस होती है ये वही गैस होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, ये जो गैस है ये LPG नहीं होती, LPG बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है इस गैस से, ये सिर्फ बुटेन होती है। LPG में और भी तरह की गैसेस मिक्स होती है। तो ये देखेंगे कि अगर हम इसको खोल दें एकदम से, इसको अगर हम खोल दें बिल्कुल, और जो इसके अंदर जो ये लिक्विड है क्या ये हमारे हाथ के ऊपर कुछ इस तरह से मैं इसको पानी की तरह डाल सकूँगा, या फिर ये बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएगा। क्योंकि ये जो अंदर ये जो लिक्विड आप देख रहे हो इसको कंप्रेस करके रखा जाता है, यानी कि ये बहुत कम जगह में, आप देख सकते हो कितनी छोटी सी जगह में इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में स्टोर किया गया है। जब हम लाइटर जलाते हैं बहुत लंबे टाइम तक हमारा लाइटर हमारे साथ रहता है। तो ये देखना है कि अगर हम इसको खोलते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइटर बिल्कुल भरा हुआ है ऊपर तक, इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइटर है, मैंने बिल्कुल अभी अभी नया खरीदा है। तो आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हो, इसमें से आग निकल रही है। और मैं चला कर भी दिखा देता हूँ कुछ चीज़ को, ये देख सकते हो आप, ये देखो है ना, ये चल, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है लाइटर, आप देख सकते हो। तो यही करना है हमें, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करना है, बर्नर आप देख रहे हो स्टील वाला जो मेटल वाला पार्ट है, पहले इसको खोलते हैं, इसको हम इसकी मदद से खोल कर देखते हैं पता है या फिर नहीं। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे टूल्स इसीलिए रखे हुए हैं कि अगर मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर कैसे खुलता है, किस तरह से इसके अंदर सब स्क्रू सब कैसे कैसे सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा, थोड़ा डर लग रहा है मुझे। खैर कोई बात नहीं, इसको खोलते हैं, पहले हम इसका ऊपर वाला पार्ट खोल देते हैं, ये किस इसको कुछ इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमने निकाल दिया, तो अब इसको आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है जलता है ये। हमने इसका ऊपर वाला मेटल वाला जो ये बर्नर होता है हमने इसको उतार दिया हुआ है। अब इसका एक बटन आप देख रहे हो जो ये ट्रिगर होता है, इसको भी हम उतार देते हैं। ये ट्रिगर हमने उतार दिया, तो देख सकते हो ट्रिगर भी उतर गया इसका। तो ये दोनों पार्ट्स हमने अलग कर दिए, और देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसको और भी पूरी तरह से हम खोल देंगे आज। और इसमें ये इसका इग्नाइटर, और फिर से ये जैसे ये स्पार्किंग होती है जिस वजह से जो गैस जब बाहर आती है इसको प्रेस करते हैं उसमें से जो गैस होती है वो बाहर आती है और वो आग पकड़ती है। तो ये भी निकाल दिया हमने इसका इग्नाइटर, ये इसका कंडक्टर, और ये इग्नाइटर कुछ इस तरह का दिखता है, इसको हम प्रेस करते हैं तो इग्निशन होता है यानी कि स्पार्किंग होती है, उससे जो गैस निकलती है वो आग पकड़ लेती है। तो अगर आप इसको यहाँ से दबाओगे तो यहाँ से आपको करंट भी लग सकता है, थोड़ा बच के रहना। और अब चलो इसको भी, ये वाला जो पार्ट है चलो अब इसको भी खोल ही देते हैं, कुछ इस तरह से निकलेगा ये वाला पार्ट भी, ये खुल गया, इसका सारे पार्ट्स हमने सारे अलग कर दिए। अब बस फाइनल एंड लास्ट स्टेप यही है जो इसका, ये वाला जो आप देख रहे हो, आप देख सकते हो जो ये वाला पार्ट है इसको भी हमें अलग करना पड़ेगा, ये तो देख सकते हो आप, इसको हम खोल देंगे। तो बहुत डर लग रहा है यार मुझे, सच में कोई आइडिया नहीं है। ओके तो कोई बात नहीं यार, 3 2 1, बहुत डर लग रहा है यार, खोल दूं, 3 2 1, इसका सील लगा होता है यहाँ पर, इसको जल्दी से खोलना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या होता है हमारी गैस के साथ, जो लिक्विड है इसका क्या होता है।
रुको से पहले पिन निकाल देता हूँ, तो खोल देते हैं इसका। ये गाइस शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन अभी अभी जो हुआ इतनी तेज़ी से जो था इसके अंदर, मैं जैसे इसको खोला, ये इसको ये जो इसकी पिन थी, जैसे मैंने इसको खोला इसके अंदर जो गैस थी इतनी तेज़ी से बाहर आई कि मेरे हाथ मतलब फ्रीज हो गए, इतनी ज़्यादा ठंडी गैस थी। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि जो इसके अंदर जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखा जाता है, तो जैसे हम प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है बाहर टेम्परेचर में आने पर। तो हमने इसका खोल दिया, तो आप देख सकते हो इसको थोड़ा बहुत इसके अंदर बचा भी हुआ लिक्विड, वो भी बहुत जल्दी से मतलब वेपोराइज हो गया। तो अब ये लाइटर जो ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है मुझे, अभी फील कर पा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ठंडा है ये। तो कुछ यही होता है जब हम लाइटर को खोल देते हैं डायरेक्टली, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं किसी भारी चीज़ को इस लाइटर के ऊपर रख देते हैं तो कभी कभी लाइटर टूट जाता है। तो यही होता है जैसे मैंने आपको भी दिखाया, जब हम लाइटर को किसी भारी चीज़ से हिट करते हैं या फिर कहीं पर फेंक देते हैं। देखो कुछ इस तरह से मैं इसको तोड़ूंगा अब, तो कुछ इस तरह से टूट जाता है। टूटने के बाद जो गैस होती है वो भी इस तरह से बाहर आ जाती है। तो यही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।